क्या उन लोगों में से है जिसने दांत की ट्रीटमेंट करवा तो ली फिर भी कहीं ना कहीं दांतों में दर्द है, या आपने कुछ कैप वगैरह बनवा लिया वहां पे खाना फंस रहा है, या आप उन लोगों में से है जो फर्स्ट टाइम कोई डेंटिस्ट को ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको दूंगा 5 ऐसे टिप्स जिससे आप सही डेंटिस्ट को ढूंढ पाएंगे। अब ये सही डेंटिस्ट ढूंढना क्यों जरूरी है, क्योंकि रोज हमें ईमेल आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं कि हमारा काम हो गया लेकिन कहीं ना कहीं हमें दिक्कत है, या कभी ना कभी हमें ऐसा लगता है कि हम किस ऐसे व्यक्ति के पास जाए, किस ऐसे डेंटिस्ट के पास जाए जहाँ पे हमारा कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री भी अच्छा हो जाए, गम ट्रीटमेंट भी हो जाए, मतलब एक सभी पीस ऑफ माइंड के साथ हो जाए, बेहतर हो जाए, फास्ट हो जाए, पेनलेस हो जाए। तो किस तरह से लोग गलतियां करते हैं डेंटिस्ट चुनने में, या किस टिप से आपको अच्छा डेंटिस्ट मिल सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रोहन बिरानी और मेरी पहली टिप आपके लिए है कि थोड़ा बहुत आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई अच्छा डेंटिस्ट चाहिए तो आजकल गूगल का जमाना है, तो आपको करना चाहिए गूगल उस डेंटिस्ट के बारे में, देखिए ऑनलाइन उनके रिव्यूज क्या है, और सिर्फ ये मत देखिए कि उन्हें 4 स्टार है 5 स्टार है, नहीं, आप ये देखिए कि उन रिव्यूज में क्या लिखा हुआ है, लोगों ने किस चीज पर कमेंट किया है, क्या वो ज्यादा कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का काम कर रहे हैं, क्या वो टीथ व्हाइटनिंग कर रहे हैं, क्या लोगों ने ब्रेसेस के ऊपर रिव्यू दिया है, क्योंकि हर एक डेंटिस्ट का कोई ना कोई स्पेशलिटी होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको गम का प्रॉब्लम है और आप कोई ब्रेसेस के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो आपको खुद को भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। 4 से 5 स्टार जो रिव्यू देता है नॉर्मली गूगल रिव्यू, और कम से कम उसमें 50, 100, 150 रिव्यू होने चाहिए, ऐसे नहीं कि 1-2 लोगों ने लिख दिया अच्छा, वैसे नहीं। तो उससे हमें पता चलता है कि ये जो डेंटिस्ट है वो काफी लंबे समय से है और काफी टाइम से अच्छा काम कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ रिव्यू आप देखिए, 4 से 5 स्टार मिनिमम होना चाहिए, ये आप देखिए। अगर किसी ने कुछ नेगेटिव कमेंट दिया हुआ है तो किस बात पे दिया हुआ है वो आप देखिए, उसके नीचे डॉक्टर ने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहेगा वो आप पढ़िए, और फिर आप सोचिए कि इस डेंटिस्ट के पास जाना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ये सबसे नजदीक है ये दिख गया चलो, ये गलती आप मत करना। अगर थोड़ा बहुत लंबा भी जाना पड़े, थोड़ा ट्रैवल भी करना पड़े, इट विल बी वर्थ इट, ये आप कष्ट उठाइए, आपको लॉन्ग रन में इसका फायदा मिलेगा। दूसरा जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि आप एक अच्छा एक्सपीरियंस डॉक्टर ढूंढिए। अब आप तो सोचेंगे एक्सपीरियंस, हाँ ये तो इजी पॉइंट है, मैं सबसे सीनियर मोस्ट डेंटिस्ट के पास चला जाऊं, ऐसा नहीं है। मेडिकल लाइन में, डेंटल लाइन में रोज अपडेट्स आते रहते हैं। मैं अपने देखिए, अपने मैं सीनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनसे ही मैंने सब कुछ सीखा है, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो 20 साल पहले पढ़ाई किया हुआ, 30 साल पहले पढ़ाई किया हुआ, अभी भी वही काम कर रहे हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, बट मान लीजिए मैं आपका ट्रीटमेंट नई टेक्नोलॉजी से जो 20 दिन चलने वाला है वो मैं 2 दिन में करके दूँ, जो पेनफुल होने वाला है, इंजेक्शन लगने वाले, वो मैं लेजर से करके दूँ, जहां पे आपको कट लगने वाला है वो मैं स्विस टेक्नोलॉजी से पेनलेस कर दूं विदाउट। तीसरा जो पॉइंट है वो आपको देखना है कि वहां का स्टाफ कैसा है। एक बार आपने अंदर एंट्री कर ली, आपने चुन ली आपके डॉक्टर, तो आप देखिए कि वहां का स्टाफ कैसा है, क्या वो अनुभवी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है डॉक्टर, आपको ये जानना जरूरी है कि स्टाफ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्लीनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, वहां का स्पेशली अभी देखिए सब कोविड का माहौल है, आप नहीं चाहोगे ये इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट आपके मुंह में आ गया। तो ये जो डेंटल असिस्टेंट है उन्हें ट्रेनिंग जरूरी है, वो ठीक से स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, उन्हें प्रोसीजर्स के बारे में, जैसे हमारे यहाँ पे स्टाफ है ये 10-10, 12 साल से ये जो स्टाफ है दे आर वेरी वेल एक्सपीरियंस, तो इससे मैं आपको गारंटी बता सकता हूँ कि दे नो एवरीथिंग, वो हर एक स्टेप जानते हैं, किस तरह से स्टरलाइज करना है, किस तरह से डेंटिस्ट को असिस्ट करना है जिससे आपका प्रोसीजर फास्ट हो जाए, किस तरह से अच्छा रिट्रैक्शन करना है ताकि डॉक्टर अच्छे से काम कर पाए। तो ये जो स्टाफ है आप उनके बारे में कैसे जानेंगे, अगर आप उनको हंसते खेलते कोई एक सवाल पूछ लेंगे, जो अनुभवी स्टाफ है वो आपको सही जवाब दे पाएगा। एक समझ लीजिए कि जो स्टाफ है वो आधा डॉक्टर ही है, उसे सब कुछ पता रहता है, लेकिन जो नया स्टाफ है वो हड़बड़ा जाएगा, उसको इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मालूम है, वो डॉक्टर उन्हें कुछ बता रहा है वो वहां देख रहा है, वो अनहाइजीनिक है, अपने बाल टच कर रहे हैं, ये सब चीजों से आपको एक आइडिया आना चाहिए कि डॉक्टर शायद अच्छा हो जाए लेकिन आप यहाँ पे मार खा जाएंगे, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। चौथा पॉइंट आपको ये देखना है कि क्या वो डेंटिस्ट के पास अच्छी टीम है।
जैसा विराट कोहली अकेला कोई काम का नहीं, वैसे डेंटिस्ट एक अकेला कोई काम का नहीं, क्योंकि मुंह में तरह तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। किसी को वायरिंग करना है, किसी को टीथ अलाइन करना है, वाइटनिंग करना है, कॉस्मेटिक काम करना है, किसी को रूट कैनाल चाहिए, किसी को ब्रेसेस करवाना है, इम्प्लांट्स करवाने हैं, किसी को डेंचर बिठाना है। तो डेंटिस्ट्री में अलग अलग डेंटिस्ट जो है वो अलग अलग एक एक्सपीरियंस लेके चल रहे हैं। जैसे हमारे टीम बता, मैं आपको बता दूं, हमारे पास 4 डेंटल चेयर है, इन हाउस ओपीजी मशीन है। तो इससे क्या होता है कि जब एक पेशेंट आता है प्रॉब्लम लेके, हम फुल माउथ का स्क्रीनिंग करते हैं ये इन हाउस मशीन के साथ। तो एक प्रॉब्लम आप देख रहे हैं लेकिन कोई दूसरा बन तो नहीं रहा है, कोई छूट तो नहीं रहा है, ये जानना, ये सब फैसिलिटीज होना भी बहुत जरूरी है। जब डॉक्टर के पास अच्छी टीम है तो आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ता कि मान लो मैंने फिलिंग करवा ली, अब वायरिंग के लिए वहां पे भागो, एक्सरे के लिए यहाँ पे भागो, सब कुछ एक इन हाउस हो जाता है, स्मूथली हो जाता है, डॉक्टर्स का कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है और अल्टीमेटली आपको आउटपुट अच्छा मिलता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो नॉर्मली हम लोग मिस आउट कर लेते हैं ये सोचने में कि सबसे सस्ता वाला पकड़ लो, सबसे नजदीक वाला पकड़ लो, ये सब मिस्टेक्स आप मत कीजिए, जिस वजह से काफी सारे लोग रोज हमें हमारे पास रोते हुए आते हैं। फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब आप डॉक्टर से मुलाकात करते हैं। अब काफी लोग इसमें क्या सोचते हैं, मैं डॉक्टर के पास गया, उनका तो रिसेप्शन खचाखच भरा हुआ है, 20 लोग लाइन में खड़े हुए, ये सबसे बेस्ट क्लिनिक रहे। डेंटिस्ट्री में ये सच नहीं है दोस्तों। आप सोचिए, ये जो डेंटिस्ट्री का काम है बहुत डेलिकेट काम है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन और अनुभव के साथ ये काम कर। अगर मैं मान लीजिए आपका काम कर रहा हूँ और मेरे क्लिनिक के बाहर 10 लोग बैठे हैं, आप खुद ही सोचिए मेरा जो पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपके ऊपर रहेगा या उन 10 लोगों के ऊपर रहेगा, कहीं मेरा पेशेंट एक निकल तो ना जाए। लेकिन जो अनुभवी डॉक्टर है, जिनके पास स्टाफ अच्छे है, जिनके पास मल्टीपल चेयर है, जिनके पास टीम है, वो क्या करता है, वो हर एक पेशेंट को समझाता है, उनको अपॉइंटमेंट्स ठीक से देता है, लाइनअप करता है कि मान लीजिए आपका रूट कैनाल है, आपको 45 मिनट्स लगेगा, उनके असिस्टेंट सब आपके लिए तैयार रखते हैं, वो प्रोसीजर बहुत ही स्मूथली पेनलेस हो जाता है, हड़बड़ी में नहीं होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, उल्टा ये सोचिए कि जो अनुभवी डॉक्टर है उनका क्लिनिक ज्यादा करके ऑर्गेनाइज रहेगा, अच्छे से स्मूथली चलेगा, जो आपको बताया गया वो टाइम पे आपका अपॉइंटमेंट रहेगा, उस हिसाब से प्रोसीजर चलेगा, वो आपको क्लैरिटी देंगे कि स्टेप नंबर 1 आपको ये प्रॉब्लम है, स्टेप नंबर 2 हम आपका फुल माउथ एक्सरे कर रहे हैं तो उसमें ये भी प्रॉब्लम दिख रहा है, स्टेप नंबर 3 आपको ये ट्रीटमेंट लगेगा, स्टेप 4 हम ये प्रोसीजर ये नई टेक्नोलॉजी से करेंगे, लेजर से करेंगे, सिडेशन डेंटिस्ट्री करेंगे, स्विस इम्प्लांट करेंगे जो कि विदाउट एनी कट है, स्टेप नंबर 5 आपका ये पेमेंट होगा, इस तरह से होगा और इतने दिनों में होगा। ये क्लैरिटी लाना जरूरी है, ये पीस ऑफ माइंड रखना जरूरी है डॉक्टर के लिए भी, पेशेंट के लिए भी। तो मैं आशा करता हूँ ये जो मैंने आपको 5 टिप्स दिए हैं ये आपको बहुत काम आएंगे सही डॉक्टर सही डेंटिस्ट ढूंढने में। इस तरह से हमारे सभी वीडियोस लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू।